Good evening everyone. My name is Monica Bedi and we are live on the YouTube channel of An academy. 11th and 12th students, please confirm whether you can see me and hear me. And we are getting started with a very very important lecture, lecture number two of chemical kinetics. ठीक है बच्चों, जल्दी से, से सेशन को कर दें, शेयर और हम आगे प्रोसीड करेंगे. आज हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स इफेक्टिंग रिएक्शन रेट्स. परसों जो मैंने पढ़ाया था, I hope all of you are prepared with that because I am going to take a small quiz from that. Quiz will be in the uh, YouTube thing only. ठीक है छोटा सा कुछ कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे हम ताकि हमारी कमांड अच्छी हो सके उसके ऊपर एंड वी आर प्रोसीडिंग विद माई इंट्रोडक्शन यू शेयर द सेशन सो आईवरेडी माई पी एच डी इन केमिस्ट्री आई हैव फोर्टीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाई सी एस आयर टॉप थर्टी ओवर इंडिया आई एम अमंग द टॉप मोस्ट एडुकेट एन अकेडमी बिट जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप to get all the session links on time so that you won't be missing any class of your favorite educator ये क्यू आर कोड आपको स्कैन करके सीधा ये क्यू आर कोड पहुंचाता है आपको लेक्चर नोट्स की तरफ कोई झमेला नहीं कोई झंझट नहीं सीधा लेक्चर नोट्स ये डिजिटल वीडियो बुक है जिनके स्कूल में यूनिट टेस्ट में कोई ऐसा चैप्टर आ रहा है जो मैंने अभी लाइव नहीं पढ़ाया है 2022 के तो इसमें सब रिकॉर्डेड और बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डेड है जस्ट स्कैन दिस क्यू आर कोड एंड यू विल लैंड अप टू दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें सारे के सारे सेशन वन शॉट भी ले रखे हैं वन गो भी ले रखे हैं एल्हल फिनॉल लेक्चर नंबर थ्री ये हम कंटिन्यू करेंगे कब परसों ठीक है एम बी लाइव कोड से आप इनको अनलॉक कर सकते हो जरूर कीजिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में से बोर्ड एग्जाम में कम से कम दो नंबर का क्वेश्चन आना तय है डू स्टार्ट अटेंडिंग ऑर्गेनिक हम लोग पैरल ही चला रहे हैं स्पेशल में so कम्पलीट हो जाए बच्चों आया पढ़ते पढ़ते यू स्निप अ गुड पिक्चर नॉट दैट ब्लर वाली टेडी आड़ी मेडी वैसी नहीं अच्छी सी पिक्चर आप स्निप करके और हमारे एक्सपर्ट के साथ दीजिएगा एंड यू विल बी गेटिंग

तो आप एटलीस्ट चैट्स के थ्रू हमसे प्रॉपर्ली बात कर सकते हो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मार के वर्कशीट दी जाएंगी हैंड राइट नोट्स दिए जाएंगे तो आपको अगर पर्सनल अटेंशन के साथ पढ़ना है कनेक्ट के साथ पढ़ना है आपको डाउट आ रहा है तो डाउट क्लास में का डाउट भी रिजोल्व हो रहा है तो वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी स्पेशल पे या यूट्यूब पे कंटेंट सब मिलेगा लेकिन एक कनेक्ट नहीं मिलेगा एक डाउट डिस्कशन की सेपरेट क्लास नहीं मिलेगी आपको उस तरीके से नोट्स वगैरह वो सब प्रोवाइड करना है वो प्लस प्लेटफॉर्म पे होता है तो बच्चों प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं भी पढ़ाती हूँ और मैंने ट्वेल्थ जून से नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है तो इमीडिएटली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ताकि आप कनेक्ट हो सके क्योंकि अभी तो पूरा साल पड़ा है ये तो जून जून से ही ही स्टार्ट हुआ है है अभी जून ही चल रहा है। तो आप बिल्कुल जरूर से सब्सक्रिप्शन लें और हमारे साथ इस ब्यूटिफुल जर्नी को पार करें है ना एंड मेरा टाइम सिक्स से टू सेवन होता है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे वॉट वी डू मैं बता देती हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं जो हमारे प्लस के बच्चों को एट पार खड़ा कर देता है फ्रॉम नॉर्मल स्टूडेंट्स एक आपने अब घर के कंफर्ट जोन से पढ़ सकते हैं आपको अनलिमिटेड एक्सेस होती है सारे कोर्सेस की टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड विदेडमी एसोसिएटेड विद एन अकेडमी ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड वंस यू बाई अफिकुलर कैटेरी यूलिंग एक्सेस ऑफ ऑल द एटर्स ऑफ दै पर्टिकुलर कैटेगरी, इन जस्ट वन सबक्रिप्शन और मैथ्स और मल्टीपल एडुकेटर्स देन जो हमारे ऑफलाइन के अंदर प्रॉब्लम होता है ना कि हम किसी ऑफलाइन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं हमें फिजिक्स बहुत अच्छी समझ में आ रही है मैथ्स केमिस्ट्री चमकी नहीं रही है लेकिन क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट की फीस भर दी तो हमें उन्ही टीचर से पूरे साल पढ़ना पड़ेगा चाहे जैसे भी पढ़े यहाँ वो सिस्टम नहीं है आपने कोई चैप्टर पढ़ा आपको अच्छा लगा दूसरा चैप्टर पढ़ा को नहीं समझ में आ रहा आप तुरंत टीचर स्विच कर सकते हैं आप यहाँ क्योंकि आप बहुत सारे एडुकेटर्स हैं मतलब हैज मेड इट पॉसिबल फॉर यू दैट अगर आपका किसी टीचर से कनेक्ट नहीं बन रहा देखो बेटा सारे टीचर्स अच्छे होते हैं बट इट इज द थिंग ऑफ कनेक्शन तो अगर आपका किसी टीचर से कनेक्ट नहीं बन रहा आपको लग रहा है नहीं, नहीं मुझे अब इनसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे दूसरे टीचर से ज्यादा समझ में आ रहा है तो टीचर्स ऑन प्लस प्लेटफॉर्म आर जबरदस्त एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड यू कैन जस्ट स्विच द टीचर नॉट दैट मजबूरी की फीस भर दी तो अब तो भाई साहब इन्हीं से पढ़ना है वो मजबूरी नहीं है ठीक है सारे बहुत सारे टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर का नहीं है अन अकेडमी ने एक ऐसा फीचर दिया है आपको जो आपको ऑफलाइन में कहीं नहीं मिलेगा आई द लास्ट फोर्टीन ईयर्स मैं ये आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतने डिसिप्लिन के साथ किसी ऑफलाइन कोचिंग में डाउट डिस्कशंस नहीं होते यहाँ पे हर तीन क्लासेस के बाद एक क्लास आपकी प्योरली डेडिकेटेड फॉर डाउट्स होती है स्टूडेंट्स की एंड दिस इज अ अफुल थिंग बाय अन अकेडमी अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाय अकेडमी जिसमें बच्चों के डाउट्स को कंसिडर करते हुए इन्होंने स्पेशली चाहे आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लो कोई सा भी आई आई टी जेई नीट इलेवेंथ ट्वेल्थ कुछ भी डाउट आपके होते होते हैं तो सोचो कितनी फ्रीक्वेंट डाउट क्लासेस है

एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको टॉप ए की मिलती है स्टडी आपको स्टडी मटेरियल uh, जो है वो हम पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं जैसे ऑफलाइन में मिलता है वैसे हम भी मैं खुद हैंड राइट नोट्स बनाती हूँ अपने प्लस के बच्चों के लिए और मैं हर टॉपिक पे वर्कशीट बनाती हूँ हर टॉपिक पे वर्कशीट बनाती हूँ और जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तो हमारे पास एक टूल होता है अपडेट्स उसमें हम बच्चों को वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं फिर बच्चे वो वर्कशीट करते हैं हम होमवर्क कॉपी भी मैं तो बनवाती बनवा तो बच्चे वर्कशीट करते हैं एंड देन वो डाउट क्लास में हम वर्कशीट को को भी करते हैं, को भी डिस्कस डिस्कस करते करते हैं एक एक एक्साम्पल एक, एक, एक इंटेक्स एक एक, एक का सवाल डिस्कस होता है बेटा कैसे नहीं आएंगे नंबर कैसे नहीं आएंगे इफ यू आर रेगुलर एंड टेस्ट वगैरह सब रेगुलरली होते हैं तो दिस आर प्लस का प्लेटफॉर्म मूविंग अहेड अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जेई नीट का है ना जेई का और नीट का तो mb live कोड से आपको सब्सक्रिप्शन सारे सब्सक्रिप्शंस पे ऑफ मिल जाएगा डोंट फॉरगेट द कोड mb live मास्टर ब्लास्टर कोड ओके एंड इससे अगर आप जे नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जे नीट में आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा नो no कॉस्ट है अब मेरे हिसाब से आप कितने का सब्सक्रिप्शन लें 18 मंथ का क्योंकि अभी वाला जे नीट पोस्टपोन हो रहा है आप 2022 एस्पिरेंट्स हैं वो भी आगे जाएगा 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका आफ्टर अप्लाईंग एमबी लाइफ कोड 42525 का पड़ेगा 42525 18 महीने का ज्यादा नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं है कि जो एडुकेटर्स हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे जेई नीट कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं वो कहीं अवेलेबल नहीं है और वो कॉल एजुकेटर्स मैं बता दूं आपको वो हैं ऐसे एडुकेटर्स जिन्होंने अब तक रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं टॉप हंड्रेड में टॉप फाइव हंड्रेड में टॉप में जो कि बड़े बड़ी बुक्स के ऑथर्स हैं जिनकी सिर्फ किताबें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जेई नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो एडुकेटर्स हमारे अकेडमी पे हमारे साथ इस कैटेगरी में एसोसिएटेड है दे विल नॉट बी अवेलेबल ऑन दे आर नॉट अवेलेबल एनी आर जस्ट प्लस एडुकेटर्स एंड दे आर सुपरली अमेजिंग एडुकेटर्स जो इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे आइकॉनिक अगर आप लेते हैं सेम इसमें आपको अन की तरफ से एक बंदा मिलेगा जो आपसे टेलीफोनिकली किसी भी समय कनेक्ट होगा आपका पर्सनल प्लानर बनाएगा शेड्यूल बनाएगा आपके अकॉर्डिंग आपका सेटिंग करेगा तो वो आपका सब्सक्रिप्शन सेवेंटी का हो जाता है डेढ़ साल का इसमें कुछ फीचर्स भी चल रहे हैं डोंट फो दिस कोड एम लाइव एक बार कोड लिखने चैट बॉक्स में यार एम लाइव चैट बॉक्स में कोड हो जाए एक बार है ना एंड सेशन को शेयर नहीं किया अभी तक ऑल राइट दूसरा है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं ठीक है मुझसे पढ़ना चाहते है। आपको 12 तो 12 है। और, suppose, हैं ट्वेल्व सेलेक्ट करनी पड़ेगी तो सीबीएसई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और एमबी लाइव को एटीन थाउजेंड के सब्सक्रिप्शन में आपको सपोज एम बी लाइव कोड आप यूज करते हैं आपका ये सब्सक्रिप्शन एटीन हंड्रेड ऑफ हो जाएगा सोलह हजार कुछ का पड़ेगा सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड का पड़ेगा आपके तो ये ज्यादा नहीं है बेटा फिफ्टीन का सवा साल का इतना तो लेना ही पड़ेगा आपको क्योंकि पोस्टपोनिंग uh, बहुत हो रही है ना तो इतना तो लेना पड़ेगा really आई तो मिलेंगी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा सारे टेस्ट कवर होंगे ये इतनी कॉस्ट में और सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी डोंट फॉरगेट दिस को तो और आइकॉनिक के फीचर्स तो मैं आपको एंड में बताऊंगी छोटा सा एक हो जाए आप लोगों का चलो स्माइल्स के साथ ज्योतिका बच्चों एक स्माइल हो जाए यार चैट बॉक्स में प्यारी सी हंसी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देख सकती हूँ लेकिन तुम्हार तुम्हें फील कर सकती हूँ मैं और यही वो सिस्टम है यही वो इमोजीज हैं जो तुम भेजते हो और मैं तुम्हें फील करती हूँ कि तुम मेरे सामने हो देखते हैं कौन कौन बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं गुड इवनिंग ब्रजेश स्वकीर्ति सुखमान ममता आशीष चलो जल्दी से ये सवाल लगाओ फटाफट फड़ से क्विकली टेस्ट हो रहा है एक नंबर का है पिछली क्लास के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेज ले रही हूँ ये एक नंबर का है इसको फटाफट फड़ से सॉल्व करेंगे और अपने आप को मार्क्स देंगे ठीक है ऑनलाइन <coughs> स्टडीज में बेटा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी जल्दी क्विकली आंसर करें चैट बॉक्स में फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ और तरीका भी बताती हूँ उसी मेथड के थ्रू हमारा रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट क्लास का अच्छा सुचिता बेटा मैं आज ट्रैवल कर रही थी बेटू मैं आज ट्रैवल कर रही थी और मुझे इंटरनेट नहीं मिला उस वक्त तो मैं क्लास नहीं ले पाई पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए आंसर करे बी मी सी कंसीडर द दिस बेटा जिनको नहीं आया है ना वो एक बार देख लो बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ टू एन टू ओ फाइव है ना टू एन टू ओ फाइव बनारा है फोर एन ओ टू प्लस ओ टू आपको पता है हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं हम पढ़ रिएक्शंस पढ़ाई थी मैंने कहा चीजें याद रखनी है परसों वाले सेशन का एंड में जो आपने कंपाइल किया था निचोड़ निकाला था वो क्या था कि अगर कोई आपसे पूछे एन टू ओ फाइव किस रेट से खत्म हो रहा है तो आपका जवाब होगा डेल एन टू ओ फाइव अपॉन इसके थ्रू मैं रिवीजन भी आपको करा रही हूँ लास्ट क्लास का ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कि NO2 किस रेट से किस स्पीड से बन रहा है तो आपका जवाब होगा डेल NO2 बाय डेल T ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कि O2 किस स्पीड से बन रहा है तो आपका जवाब होगा डेल O2 बाय डेल T यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज दिस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज दिस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज दिस But if somebody asks you what is the rate of reaction, they are not asking you about a particular reactant or a product, they are just asking about the rate of reaction, then put a stoichiometry divide by stoichiometry. Now this is known as rate of reaction. Equate kardo.

जल्दी से अगला सवाल करें खुश रहो बेटा उत्कृष्ट <coughs> अरे वाह ऑल राउंडर्स ग्रुप मैम आई मीन क्लास इलेवन में स्टिल तो वाचिंग यू। ओके बेटा गॉड ब्लेस यू थैंक यू रितुल यादव थैंक यू सो मच रितुल कैन मैम यू द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड थैंक यू सो मच बेटू चलो सी आ रहा आंसर चेक करें आंसर क्या आ रहा है सी आ, आ रहा है बी आ रहा है ओके okay.

अपॉन टाइम टेकन कितना है है टाइम टेकन मिनट्स सो इसके अंदर का का आंसर आएगा नेगेटिव माइनस तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस एंड इसका आंसर हो जाएगा थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन की पार माइनस फोर थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन की पार माइनस फोर क्लियर मतलब ओवरऑल रेट को हमने प्लस करने के लिए ही बाहर माइनस लगाया था क्योंकि हमारे अंदर अंदर फाइनल माइनस इनिशियल में का आंसर नेगेटिव आ रहा था ठीक है बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू चलो अगला करो ये एक नंबर दे देना दे जिसने सी मार्क किया है और फिर एंड में देखेंगे किस किस के पूरे पूरे मार्क्स आए हैं अगला करो बच्चों जल्दी जल्दी और सेशन को लाइक भी कर दो और क्लियर है तो स्माइल्स हो जाए हार्ट हो जाए चैट बॉक्स में थैंक यू सुचिता थैंक यू सो मच बिटू तुम लोग के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक की क्लासेस में एक डिफरेंट चीज करने जा रही हूँ अभी मैं अगले फाइव मिनट्स में बताऊंगी टेस्ट ओवर होने के बाद स्माइल करने को बोला था ब्रिजेश मुंह फाड़ के हंस रहे नेक्स्ट करो नेक्स्ट करो जल्दी जल्दी आंसर दो नहीं बेटा शालिनी यादव मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा क्या बात है दिया ऐसा क्या बात है ओके <coughs> okay. क्या आंसर आ रहा है सी आ रहा है देखो माधव शर्मा का सी आ रहा है अविरल गुप्ता का बी आ रहा है अंशात्री का ए आ रहा है सारे आंसर दे दो एक काम करो एबीसीडी सब दे दो आंसर ठीक है a b c d सारे आंसर दे दो इनर रिएक्शन दिस द कंसंट्रेशन ऑफ hi डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 इन 10 सेकंड्स hi की कंसंट्रेशन डिक्रीज व्हाट इज द रेट ऑफ हाउ इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ hi एक्सप्रस्ड माइनस डेल hi की कंसंट्रेशन व्हिच इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल

अपॉन टेन तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो अपॉन टेन मिनट्स है ना तो मिनट इन में ही दे रखा है क्या आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट पॉजिटिव में आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है वन बाई टू रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन में हाफ भी तो लगेगा हाँ अभी क्या आंसर हो जाएगा फाइव इंटू की पर माइनस ठीक है फाइव इंटू की पर माइनस क्लियर क्लियर बच्चों सबको देखो उसने ना हमको रेट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच डिक्रीज दिया था तो ये हमने कर लिया बट उसने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन था तो रेट ऑफ क्लियर टू एवरी वन थैंक यादव इज दैट क्लियर टू एवरी वन बेटा थैंक जाहिदा नेम इज वेरी जाहिदा हाँ कल इलेवेंथ की क्लास है ना ऑल ग्रुप ओके क्लियर बच्चों अरे आई थिंक ए होना चाहिए फाइव इंटू टेन की पर माइनस टू नहीं फाइव इंटू टेन की पर माइनस थ्री होगा है ना ना इसको डिवाइड करेंगे न, .1 by 20, .1 by 20 हो जाएगा एक मैंने गलत टिक लगा दिया पावर गड़बड़ कर दी मैंने जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ठीक है बच्चों चलो अगला करें हाँ हाँ ठीक है ममता यादव ज्योतिका उत्कृष्ट गुड इवनिंग स्वीटी मिश्रा नेक्स्ट वाला करो इसमें तो तुमने मैम के नंबर काट लेने हैं अब इसमें तो मैम के नंबर काट लोगे ना मैम के मैम के नंबर काट कट गए नेक्स्ट करो फटाफट से फटाफट से फटाफट से नेक्स्ट वाला दिव्यन्दु कह रही हेलो मैम दिस इज माई फर्स्ट लाइव क्लास विद यू आई एम वॉचिंग ओल्ड वीडियोज लव दोज वीडियोज एंड लर्निंग फ्रॉम लाइव नाउ वेरी गुड बेटा वेलकम टू माई सेशन बेटू हम्म आज तो मैम भी अपने नंबर बताएंगी तुम भी अपने नंबर बताना हाँ ये वन मार्क्स का इसका बताओ कितना होगा जल्दी 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 ए आ रहा है बी भी, भी आ रहा है वेदांत का बी आ रहा है वेलकम विशाखा सोनी टू तो माय क्लास बेटू आई होप यू विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस इक्वेशन फोर एन थ्री प्लस फाइव ओ टू बना रहा है फोर एन प्लस सिक्स एच टू है ना ये हमने लिख दिया अब रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ अमोनिया दे रखा है उसने रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ अमोनिया होता है माइनस डेल एन एच डेल टी माइनस डेल एन एच थ्री बाई डेल्टी होता है ठीक है देन रेट रेट ऑफ 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 वाटर वाटर इज का of, मतलब अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपेयर दिया और वाटर का रेट ऑफ अपेयरेंस पूछा वाटर का रेट ऑफ अपेयरेंस होता है डेल एच टू बाई डेल्टी अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन करके ना इसको इक्वेट करने वाली हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोपिशंट लगाऊंगी मैं वन बाई फोर और इसमें लगाऊंगी वन बाई सिक्स और मैं इक्वेट लगा दूंगी इनसे मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके बारे में ना पूछा है ना दिया है तो आई एम नॉट आई एम नॉट आई एम जस्ट इग्नोरिंग दीज टू मैं सिर्फ जो चीज दी है और जो चीज पूछी उसको इक्वेट कर दिया मैंने अब उसने वाटर का पूछा है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा सिक्स बाय फोर इंटू अमोनिया की रेट ऑफ डिस जो कि है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पार माइनस थ्री तो इसका आंसर क्या आना चाहिए अब तुम ही लोग बता दो इसको कैलकुलेट कर लो और इसका आंसर मुझे तुम ही लोग बता दो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा आई थिंक ए ए होगा करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट वाला करें बेटा खुशी की इंस्टा आईडी पे बाद में गौर करना निशांत बुकोलिया बेटा पहले पढ़ाई में ध्यान दे दो जो काम करने हो अब हम ये फोर मार्क्स का तुम्हारा टेस्ट हुआ है मेरे को बताओ फोर में से किसके कितने नंबर आए जल्दी से फोर में से किसके कितने मार्क्स आए एक बार मैं छाउट आउट करूंगी जिन बच्चों के फुल में से फुल आए बिल्कुल यूज हो सकता है तेजस देखो गुलाम सुभानी के फोर आए हैं आयुष आचार्य के थ्री आए हैं दिबाकर के फोर आए हैं स्वीटी मिश्रा के फोर में से फोर आए हैं कुंदन कुमार ठाकुर के फोर आए नवीन सिंह के फोर आए हैं के अनोर आए हैं इज क्त्री प्लस का सब्सक्राइबर आई नो हिम वेरी वेल well. स्वकीर्ति के पल्लवी के दिबाकर के आयुषी के थ्री आए ओके okay, मेरे तो खुद के ही थ्री आए हैं चलो आगे चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं आज देखो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ने वाले ध्यान से सुनना बेटा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बेटा एवरेज रेट क्या होता है एवरेज रेट क्या होता है जब हम सपोज करो तुम अपने घर से गाड़ी लेके निकले मैं पहले तुम्हें कॉमन से एग्जाम्पल दूंगी फिर मैं तुमको केमिस्ट्री से लिंक कर दूंगी कि सपोज करो आप अगर गाड़ी लेके निकले और गाड़ी लेके निकले और आपका घर आपके स्कूल से 20 किलोमीटर दूर था तो आपने देखा कि मैं घर से स्कूल कितनी देर में पहुंच रहा हूँ घर से मैं स्कूल कितनी देर में पहुंच रहा हूँ तो आपने टोटल डिस्टेंस लिया ट्वेंटी किलोमीटर्स अपॉन टोटल टाइम रखा तो दिस वुड कैलकुलेट द एवरेज रेट मतलब आपकी गाड़ी की एवरेज क्या निकली हो सकता है बीच में आपने गाड़ी सौ की स्पीड से चलाई हो।, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हो और बीच में आपने गाड़ी जो है वो बीस की स्पीड से भी चलाई हो तो एवरेज कैसे निकलेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन या आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोई आधे घंटे की एवरेज निकाल सकते हैं कि यार इस आधे घंटे में, में मेरी गाड़ी की एवरेज क्या रही तो मेरा इस आधे घंटे में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन ऑन थर्टी मिनट्स करेंगे तो अच्छा हाँ मैं बताती हूँ तो इससे एवरेज रेट निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट मतलब जब आप गाड़ी चलाते चलाते कभी स्पीडोमीटर की तरफ झाका है गाड़ी चलाते चलाते अगर आप स्पीडोमीटर की तरफ झाके और वो स्पीड बता रहे एक सौ बीस एक सौ बीस से कभी गाड़ी मत चलाना वैसे एक सौ बीस तो ये तुम्हारे इंस्टेंटेनियस रेट है अगर तुम ट्रैफिक में फंसे हुए हो और धीरे 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 गाड़ी चला रहे हो और तुमने स्पीडोमीटर की तरफ झाका और स्पीड uh, तुम्हारी चल रही है पंद्रह की बीस की ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसमें एट अ पर्टिकुलर मोमेंट निकाला जाता है और एवरेज में आप एक टाइम स्पैन का निकालते हो जब टाइम स्पैन जीरो अप्रोच करता है तब एवरेज रेट क्या बन जाती है इंस्टेंटेनियस रेट जब टाइम जीरो करता है तो एवरेज रेट थैंक यू सो मच सुशांत शर्मा थैंक यू सो मच बेटा सुशांत कह रहे हैं गाइज लाइक द सेशन लाइक एंड शेयर द सेशन बेटा प्लीज लाइक द सेशन तो जब टाइम डेल्टा टी जीरो अप्रोच करता है तो वही एवरेज रेट क्या बन जाती है इंस्टेंटेनियस रेट बन जाती है एकदम ईजी आपने कुछ एक टाइम स्पेंड की एवरेज निकाली वो एवरेज स्पीड हो गई आपने स्पीडोमीटर पे गाड़ी चलाते चलाते देखा वो इंस्टेंटेनियस हो गया आप केमिस्ट्री में एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है आप दो पट दो टाइम की ड्यूरेशन मतलब टी वन और टी टू के बीच में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी ये एवरेज होता है लेकिन आप एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट रेट निकालना चाहते हो तुरंत मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आप निकालना चाहते हो क्या रेट है क्या रेट है इंस्टेंटली मतलब इस समय क्या रेट है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं सबको समझ में आया एवरेज और इंस्टेंटेनियस में वही फर्क है जो हमारे गाड़ी के एवरेज और इंस्टेंटेनियस में होता है अब मैक ने मुझे टोका है कि मैम एक बार वो तो बता दो कि आप बताने क्या वाले थे बेटा स्पेशल क्लासेस में आपकी थ्री क्लासेस अभी होती हैं

बट अब ना मैंने वो कर दिया कि टू क्लासेस मैं लूंगी 11th की 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 ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और टू क्लासेस मैं लूंगी 12th की आपका काम मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि आपको इलेवेंथ ऑर्गेनिक में भी आना है अब क्यों आना है क्योंकि आपने इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट डेप्थ में नहीं पड़े हुए हैं और जो मुझे ऑर्गेनिक लेते वक्त पता लग जाता है कि मेरे बच्चों को रेजोनेंस में कंफ्यूजन हो जाता है वो रिपीट रिपीट करते रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पे कमांड नहीं है इधर आता नहीं है और अगर आता है तो मैं कहूंगी फटाफट -पड़ से स्ट्रक्चर बना के तो नहीं दिखा पाएंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर्स ये सब पे क्या फर्क पड़ता है ये मेरे बच्चे को नहीं पता नोमचर बेसिक पता है पर नोम जो एकदम एडवांस लेवल का होता है जिसमें बॉन्डलाइन नोटेशन आ जाते हैं अलग अलग शक्लों के नोमन मेरे बच्चों को नहीं आता तो क्योंकि जेई नीट आप सब देने वाले हैं है ना और अगर नहीं भी देने वाले कोई ऐसा भी बच्चा बैठा है कि नहीं मैम हमें तो जे नीट नहीं देना हमें तो ट्वेल्थ में पूरे मार्क्स आने तो बेटा ट्वेल्थ में पूरे मार्क्स लाने के लिए इलेवंथ की ऑर्गेनिक पे कमांड होनी जरूरी है तो मैंने क्या कर दिया है इलेवंथ और ट्वेल्थ और की ऑर्गेनिक पैरल स्टार्ट कर रही हूँ मैं स्पेशल में नेक्स्ट वीक से टाइम टेबल जो भी होगा मैं आपको दे दूंगी नेक्स्ट वीक से मैं शेड्यूल बदलती रही हूँ जुलाई मंथ से तो आपको इलेवेंथ भी पूरी फोकस करके पढ़नी है हाइड्रोकार्बन चैप्टर इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट हाइपोकॉन्जुगेशन क्या होते हैं इनके क्या क्या इनके इम्पैक्ट पड़ते हैं और जेई लेवल के क्वेश्चन में इस पर वाली हूँ ठीक है तो आपको इलेवन ऑर्गेनिक दोनों अटेंड करनी है आपका काम डबल हो गया तो आपके अल्कोहल एल्कोलफिन की अल्कोहल ईथर्स की क्लासेस घटा के मैंने कर दी है दो और ऑर्गेनिक इलेवेंथ की भी मैंने दो क्लासेस क्रिएट कर दी है तो यू विल हैव फोर क्लासेस इन अ वीक दो क्लासेस आपके बेसिक्स करेंगे आपको जेई नीट की तैयारी करेंगे और दो क्लासेस आपकी ट्वेल्थ से चिपक के चलेंगी इज दैट फाइन

ठीक है चलो और इसी बात पे लाइक बन जाए सेशन का एनी वेज इंस्टेंटेनियस रेट दोबारा बताती हूँ चलाते, 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 फाड़ के हंसने को नहीं बोला था स्माइल देने को बोला था तुम तो हा, 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 हा ये करने लगे तो गाड़ी चलाते चलाते अगर आप स्पीडोमीटर पे सडनली देखोगे तो जो इंस्टेंट स्पीड दिखती है वो वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट केमिकल रिएक्शंस में भी जब रिएक्शन हो रही हो तो आप टाइम ड्यूरेशन में नहीं नाप रहे हो आप तो कह रहे हो हो इस समय से रहा है वो instantaneous rate होता है वो तो होता नहीं हुआ कंसेंट्रेशन मतलब एक बज के पांच मिनट पे क्या कंसेंट्रेशन थी एक बज के पैंतीस मिनट पे क्या कंसेंट्रेशन थी सपोज थर्टी मिनट्स का तुमने लैग ले लिया थर्टी मिनट्स नीचे आएगा और दोनों कंसेंट्रेशन फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो कंसेंट्रेशन चेंज आ जाएगा अब जंग लग रही है साइकिल में तुम रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज निकालना चाहते हो तुम नीचे कम से कम तीन महीने का टाइम भरो महीने को मिनट्स में कन्वर्ट करो ऊपर तुम देखो कितनी जंग लगी है फाइनल माइनस इनिशियल पहले कितना था अब कितना है तो रेट बहुत कम आएगा क्योंकि न्यूमरेटर वैल्यू जो बहुत कम है और टाइम बहुत ज्यादा है तो एवरेज रेट ये कहती है कि जब आप दो कंसेंट्रेशन चेंज कंसेशन चेंज को विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम नापते हैं वो आधा घंटा हो सकता है वो दस मिनट हो सकता है वो पांच मिनट हो सकता है तो हम उसको एवरेज निकालना बोलते हैं जैसे गाड़ियों में भी हम करते हैं कि अभी हमारे नेक्स्ट पंद्रह मिनट की गाड़ी की एवरेज कितनी स्पीड रही या यहाँ से हम स्कूल गए हमारी एवरेज कितनी रही या हम जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं बीच का कोई हाफ एन आवर हम देख रहे हैं कि यार पिछले आधे घंटे से ये एवरेज रही गाड़ी की तो वो एवरेज स्पीड होती है उसमें आपको टाइम एक रीजनेबल टाइम डालना पड़ता है आधा घंटा दस मिनट वन आवर टू आवर थ्री आवर थ्री मंथ रीजनेबल टाइम डालोगे लेकिन जैसे जैसे आपका ये टाइम छोटा होता जाएगा जैसे दस मिनट फिर दो मिनट एक मिनट तो टाइम जब छोटा छोटा ही जाएगा होता ही जाएगा जीरो अप्रोच करेगा तो यही रेट क्या बन जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट मतलब अभी क्या रेट चल रही है अरे एवरेज वेवरेज से कोई मतलब नहीं है एवरेज में तो तुम्हें दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ती है एक बज के दो मिनट पे क्या कंसेंट्रेशन थी एक बज के बारह मिनट पे क्या कंसेंट्रेशन है तो दस मिनट के लैग में तुमने सी टू माइनस सी वन किया है सी फाइनल माइनस सी इनिशियल मैं तुम्हें कह रही हूँ इंस्टेंटेनियस में तुम दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन मतलब या जिनमें टाइम का डिस्टेंस टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटी कर दी हमने बहुत छोटी कर दी कि जब टाइम ड्यूरेशन क्या पहुंचने लगी जीरो पहुंचने लगी तो वैसा रेट क्या कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है तो एवरेज में तो हम बड़ा डेल्टा लगाते हैं और इंस्टेंटेनियस में हम छोटा डी यूज करते हैं ग्राफिकली इस चीज को समझना ग्राफिकली शायद और फील आएगी ग्राफिकली और फील आएगी बेटा तीन महीने अब मैं स्पेशल्स पे ऑर्गेनिक पढ़ाने का प्लान कर रही हूँ और ऑर्गेनिक में बिल्कुल वैसे भी नीट वगैरह सब पोस्टपोन हो रहे हैं एग्जाम्स तो इस बार तुम फायदा ले लो उसका कि इलेवन ट्वेल्थ कर लो ऑर्गेनिक ओके ऑल राइट right, चलो आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ को देखिए एनसीआर में ग्राफ है समझ में नहीं आता है कई बार बच्चों को तो बच्चे डाउट क्लास में लेके आते हैं कि मैम ये वाला आ, पहले मैं अब जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें ध्यान दो एनसीआर का ग्राफ पढ़ा रही हूँ ये ग्राफ एन एनसीआर में है और ये बच्चों को नहीं चमकता है इसको ध्यान से देखिएगा ये हमारा कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है अच्छे से फील लेके समझिएगा जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो मुझे कोई बता सकते हैं लिखा हुआ तो नहीं है ना हाँ लिखा हुआ नहीं है मेरे को, को ये बताओ कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम है या प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम है फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम है या प्रोडक्ट का दिवेंदु सिंह भाटी बेटा पढ़ाई में ध्यान दो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम है या प्रोडक्ट का क्या लग रहा है ये थैंक यू आशीष करनाल थैंक यू हर्षप्रीत प्रोडक्ट का बता रहे हैं सुशांत रिएक्टेंट का बता रहे हैं आशीष करनाल कोई रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट प्राची कह रही है रिएक्टेंट गुलाम कह रहे हैं रिएक्टेंट तो निशांत कह रहे हैं हेलो खुशी वेल ये भी सही है रिएक्टेंट मनप्रीत कह रहे हैं रिएक्टेंट क्योंकि नेगेटिव है <coughs> ओके okay. प्रोडक्ट भी काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं रिएक्टेंट भी काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सुनो तुम ये देख रहे हो कि इसमें कंसनट्रेशन कम हो रही है वक्त के साथ तो वक्त के साथ रिएक्टेंट्स कम होते हैं कि प्रोडक्ट्स कम होते समझदारो वक्त के साथ रिएक्टेंट कम होते हैं कि प्रोडक्ट कम होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं ना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलते हैं तो टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है रिएक्टेंट्स खत्म होते जाते हैं प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है रिएक्टेंट डिक्रीज होती जाती है एंड दिस ग्राफ इज शोइंग डिक्रीज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इट इज अ रिएक्टेंट की टर्म्स में ये वाला ग्राफ है ठीक है समझे रिएक्टेंट की टर्म्स में अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों तुमने क्या लिया दो टाइम ड्यूरेशन ले लिए देखो मतलब तुमने टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर ली दो टाइम ले लिए टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर ली यहां से लेकर के ये टाइम और ये टाइम ठीक है 400 से 800 लगभग दिख रहा है

अब आप लिख रहे हैं एवरेज रेट क्या होगा ध्यान से देखिएगा बच्चे दो मिनट लगेंगे आर वन अपॉन टाइम टेकन जो है वो टी टू माइनस टी वन तो दिस विल गिव यू एवरेज रेट बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे

उससे आपका टेन थीटा से आपका इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा आई होप इट इज क्लियर अगर थोड़ा बड़ा खिंच जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्यों कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि थीटा तो वही आएगा टेंजेंट और बड़ा खिंच जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्यों दिक्कत नहीं क्योंकि थीटा तो वही आएगा समझ गए तो ये यह थीटा से आपका स्लोप निकल जाएगा और इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगी हाइट अपॉन बेस से ठीक है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये किस चीज का दिख रहा है ये प्रोडक्ट का दिख रहा है क्योंकि इसमें कंसेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन टाइम के साथ घटती है तो पिछले वाला रिएक्टेंट था कंसेंट्रेशन गिर रही थी ये प्रोडक्ट है कंसेंट्रेशन बढ़ रही है समय के साथ तो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन होप इट इज क्लियर होप इट इज क्लियर ओके अब देखो अब मैंने क्या किया अगर मेरे को सपोज करो एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज निकालने के लिए यही करूंगी कि मैं दो टाइम सेलेक्ट करूंगी टी वन एंड टी टू फिर टी वन पे कितना कंसेंट्रेशन uh, था पी वन क्योंकि प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन पी वन और टी टू पर कितना कंसेंट्रेशन था पी टू तो इस बार फाइनल कंसेंट्रेशन ज्यादा था ना इस बार क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है ना प्रोडक्ट तो बनता जाता है तो फाइनल ज्यादा था तो मैं अगर एवरेज रेट निकालू एवरेज रेट में अगर निकालू तो हाउ विल आई कैलकुलेट एवरेज रेट Upon del del upon तो 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 ठीक है? इससे एवरेज रेट आ जाएगी जो तुमने स्पैन में duration में निकाली है दो दो समय के डिफरेंस पे निकाली है बट वॉट इफ यू फोइंग नहीं नहीं मैम हमको तो कोई एवरेज नहीं निकालना हमें तो टाइम टी पे क्या रेट चल रही वो बताओ इस पॉइंट पे क्या रेट चल रही मतलब टाइम की जो ड्यूरेशन है वो ऐसे स्कूज होके क्या हो गई है जीरो

और वही height upon base से आपका रेट आ जाता है ये NCRT के ग्राफ हैं ये बच्चे डाउट क्लास में हमेशा लेके आते तो मैंने तुम्हें यही समझा दी चमकते बच्चों को क्या बढ़ रहे तो इनकी शक्लें ऐसी हैं ग्राफ की तो इसलिए भी बच्चे इससे थोड़े रिपल्जन फील करते हैं तो आई होप कि समझ में आ गया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रिएक्शन रेट्स स्माइल हो जाए फिर तो यार एक स्माइल तो दे इतनी तो बनती है तो मुंह फाड़ के मत हंसना हैं क्रिस्टल क्लियर ममता यादव ओके बेटा धीरे धीरे मुझे तुम लोग के सबके नाम याद हो जाएंगे देखना रजेश सोनी क्लियर ओके स्वीटी मिश्रा देखो फिर मुंह फाड़ के हंसने लग गए चलो तो अब हम स्विच uh, कर रहे हैं एनसीआरटी के अगले टॉपिक पे द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट बेटा एक बात ध्यान रखना पूरी केमिकल काइनेटिक्स किस चीज पे बेस्ड है पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक्स कोलिजंस पे बेस्ड है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर खाते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ना अब बिल्कुल फोकस करके सुनो बिल्कुल अब नया चीज़ शुरू हो रहा है एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स ये मानती है कि जो भी एटम्स या टकरा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो उनको स्फेरिकल एज्यूम करती है इसको बोलते हैं कॉलिजन थ्योरी ठीक है कॉलिजन पे बेस्ड है तो ऐसे में अगर तुम कहो कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं रिएक्शन की स्पीड को ही तो अपन रेट बोलते हैं तो रिएक्शन की स्पीड को कौन बढ़ा सकता है कंसेंट्रेशन बढ़ा दो लेवल्स देखना लेवल क्या क्या है पहली बात जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स मतलब जब रिएक्टेंट्स टकराते हैं जब कोलिजन होते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं अब सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनते ओनली फ्यू आर इफेक्टिव जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन ओनली फ्यू कोलिजन उसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन ठीक है इफेक्टिव अब मुझे बताओ सपोज तुमने तो सौ मॉलिक्यूल लिए उसमें से सिर्फ दस जो थे वो इफेक्टिव कोलाइड कर रहे थे मॉलिक्यूल्स तुमने लिए वो टकरा रहे थे आपस में उसमें से ओनली टेन कॉलिजन इफेक्टिव बाकी सब फर्जी टकरा के वापस लौट रहे थे लेकिन दस ऐसे कॉलिजन थे जो कि प्रोडक्ट्स में बदल रहे थे दस कॉलिजन की वजह से प्रोडक्ट बन रहा था लेकिन अगली बार तुमने सौ के बजाय क्या कर दिया पांच सौ ले लिए तो दस के बजाय कॉलिजन फ्रिक्वेंसी भी तो बढ़ जाएगी ना तुमने हंड्रेड के बजाय के फाइव हंड्रेड के बजाय फाइव हंड्रेड कोलिजन्स ले लिए तो जो इफेक्टिव कोलिजन है वो टेन से बढ़ के कितने हो जाएंगे फिफ्टी 50. तुमने फाइव हंड्रेड से बढ़ा करके वन थाउजेंड कोलिजन्स करवा दिए क्योंकि तुम रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो तो इफेक्टिव कोलिजन कितने हो जाएंगे हंड्रेड समझ जो? तो जैसे जैसे तुम कॉलिजंस का नंबर बढ़ाओगे तो पैरेलली प्रोपोर्शनेटली इफेक्टिव कॉलिजन का नंबर भी बढ़ेगा और प्रोडक्ट्स की कंसेंट सेम गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा तुमको सेम गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा दूध में हम चीनी भी मिलाते हैं ना तो सपोज करो कि तुमको छोटे से एक्जाम्पल देती हो कि तुमको स्कूल भागना है अभी तो तुम गए नहीं हो दो साल से सा स्कूल लेकिन स्कूल भागना है और मम्मी सुबह सुबह क्या करती है दूध पिला के भेजती है बेटा दूध पीछे दूध पीछे दूध पीछे फटाफट और दूध तो हम चीन डाल के पीते हैं तो चीन डालेगा टाइम ही नहीं है तुम तो बाग लटका के मेरी बस आ गई बस आ गई मैं जा रहा हूँ और फीका दूध तुम पीते नहीं हो तो तुम्हारी मम्मी क्या करेगी ना तुमको चार चम्मच चीन डालेगी और ऐसे बस घुमा देगी क्योंकि चीनी ज्यादा है ना इसलिए अगर उनके पास पांच या छह ही सेकंड है घुमाने के लिए तो ज्यादा चीनी डाल के घुमाएगी ताकि कोलिजन ज्यादा और ज्यादा जल्दी मिठास आ जाए तो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में जल्दी मिठास लाने के लिए कंसेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो यहां पे भी कंसेंट्रेशन तो बढ़ता है तो रेट बढ़ता है इज इट क्लियर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इट क्लियर टू एवरी वन इफ आई राइट की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस हम सब दे दो मुझे प्राची जहाँ रोज अपना नाम रटवाती है तो रटे तो जाएगा ही ना हेलो वर्तिका बेटा अच्छा ममता यादव इस वर्तिका ठीक है ओके सुपर क्लियर नेक्स्ट टेम्परेचर टेम्परेचर दोगे ना तो मॉलिक्यूल्स जल्दी कोलाइड करेंगे ये तो सबको समझ में आता होगा जब आप आलस कर रहे होते हो घर में धीरे धीरे सुस्त की तरह घूम रहे होते हो तो फिर मम्मी का टेम्परेचर हाई हो जाता है गुस्सा आ जाता है मम्मी क्या आलसी की तरह पढ़ा है क्या आलसी की तरह काम कर रही है ढंग से फुर्ती नहीं है बस जब देखो जब पड़ी रहती है जब तुम ऐसे ऐसे ढीले ढीले हो तो मम्मी पीछे से अगर एक सोटता लगा धाड़ तो अपन फुल स्पीड भागने लगेंगे हमारे काम की स्पीड बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो आ जाती है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलिजन करेंगे और कोलिजन थ्योरी तो है मेन ज्यादा कोलिजन करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे ज्यादा एनर्जी से टकरा रहे ना तो मैं एनर्जी बढ़ा रहे हो तो ज्यादा एनर्जी से टकराएंगे तो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे नेचर नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स भैया पे तो डिपेंड करता है अब तुम कितने काम करते हो घर में तो तुम्हारे नेचर पे डिपेंड करता है कुछ बच्चे बहुत काम करते हैं मम्मी का कुछ बिल्कुल नहीं करते तो रिएक्टेंट्स में अगर बॉन्ड बहुत मजबूत है सपोज बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने में समय लगता है तो वो प्रोडक्ट में कम धीरे धीरे स्पीड से बदलते हैं और प्रोडक्ट्स अगर प्रोडक्ट स्टेबल हैं तो जल्दी बदलेंगे तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है घटाते भी हैं, कुछ होते हैं जो कि रेडिएशन की प्रेजेंस में ज्यादा स्पीड से होने लगते हैं तो हमारे तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि तुम्हारे कोर्स में सिर्फ यही दोनों है और ट्वेंटी ट्वेंटी के कोर्स में तो सिर्फ यही था तो तुम्हारे 2021 के करते तो ये दोनों फैक्टर्स है बाकी तुम्हारे कोर्स में डिटेल में नहीं है पूरा चैप्टर जो है ना वो इन दोनों पे चलेगा आगे आने वाला आधा चैप्टर कंसंट्रेशन पे चलेगा और बाकी का हाफ टेम्परेचर पे चलेगा और केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा यानी इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद द स्पीड्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन ठीक है ओके uh -huh. okay.

तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ देखो मैं देशन तो मेरे दिमाग में एक फॉर एग्जाम्पल तो घर में खाना बनता है तीन चार खाने वाले लोग होते हैं तो घर में खाना बनता है तो मम्मी थोड़ी सी सब्जी काटती है थोड़ा सा आटा लगाती है सब्जी बनाती है लेकिन अगर अः किसी होटल में जाओगे तो वहां ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े कड़ाई में ऐसे दाल बन रही होगी सब्जी बन रही होगी पनीर बन रही होगी राजमा बन रहे होंगे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा है ना फिर वो बहुत सारे लोगों को खिलाया जा सकता है बहुत सारी थालियां क्रिएट हो सकती है घर में तो हम तीन चार पांच लोगों के हिसाब से खाना बनता है तो वैन द कंसेंट्रेशन इज मोर द प्रोडक्ट विल बी नेचुरली मोर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन लेस कंसेंट्रेशन फ्यू कलिजन फ्यू कोलिजन लेस प्रोडक्ट्स मोर कंसेंट्रेशन मोर कोलिजन मोर कोलिजन मोर प्रोडक्ट्स ठीक है नेक्स्ट आता है टेम्परेचर टेम्परेचर का मैंने तुम्हें बताई दिया कि जब आपके मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा टक्कर खाएंगे उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी मोर टक्कर खाएंगे तो टक्कर खाते वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे तो मम्मी भी क्या घर का टेम्परेचर बढ़ाती है जब भी तो टेम्परेचर गुस्से से बढ़ता है ना तो कई बार मुझे भी बढ़ाना हो सकता है पड़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नेचुरली बढ़ेगा ही बच्चे मार्क्स टीचर जब गुस्सा करेगी तो बच्चों के नंबर तो आएंगे ही तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना क्लासरूम का उसमें फिर नंबर तो आएंगे आपके प्रोडक्ट्स तो बनेंगे देन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कि भाई बॉन्ड्स मजबूत है नहीं टूटते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी अगर रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो मजबूत है नहीं टूटते हैं तो फिर प्रोडक्ट्स जल्दी से नहीं बनेंगे और अगर वीक है जल्दी टूटते हैं तो बनेंगे कैटलिस्ट कोई कोई रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं कोई कोई घटाते हैं सरफेस एरिया हाउ डज सर्फेस एरिया इफेक्ट कभी तुम मिश्री पानी में घुल के देखना मिश्री जानते हो कि मेरे पास यहाँ पड़ी भी है लेट मी शो यू मिश्री ये मिश्री होती है पता है मिश्री मतलब बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे आते हैं पता है नहीं तुम लोग क्या बोलते हो मिश्री तो ये अगर ये मिश्री में पानी में डाल दूंगी उसको घोलती रहूंगी बहुत देर तक जल्दी से नहीं घुलती इसका सरफेस एरिया नहीं है और इसके मैं अगर टुकड़े टुकड़े कर दूं तो फिर पानी में घोलूंगी तो थोड़ी स्पीड से घोलेगी और इसको मैं बिल्कुल ही पीस दूं बिल्कुल पीस दूं मिक्सी में मिक्स कर दूं और फिर इसको मैं पानी में घोलूं तो जो पाउडर शुगर आइसिंग शुगर जिसको बोलते हैं एकदम चूरा तो वो तो बहुत जल्दी घुलता है तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा क्लियर है सबको जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा इज दैट क्लियर टू एवरीवन ओके इस पे सरफेस एरिया कम था अब तुम देखो इसको खोलते जा रहे हो तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ता जा रहा है ये करके बताओ चलो अंडर अ गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन द रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ईजी है लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू टेस्ट लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू टेस्ट और आज अपने आप को इवैल्यूएट करना कि कितने क्वेश्चंस हमने आज क्लास में सही किए हैं बी सारे बच्चे भी बोल रहे हैं इंक्रीज ओके नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन दिस द रेट ऑफ केमिकल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज ये बताओ करो फटाफट प्रैक्टिस खूब सारी करनी है हमको थैंक यू बेटा रितुल जल्दी से आंसर बताओ ना रितुल यादव बी ममता यादव थी वर्तिका देख मैं नाम भूल गई इंक्रीजेस स्वीटी मिश्रा कह रही इंक्रीजेस वो तो हो गया बेटा नेक्स्ट करो महक क्विकली हु विल गिव मी द करेक्ट आंसर फटाफट से ओके फॉर अ रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एच टू बना रहा है टू एन एच थ्री दैक्टिस हमारे सेशंस में हमेशा ज्यादा रहेगी बेटा हम जो पढ़ेंगे उसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इतना तो हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन चेंज इतना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज हाउ इज दिस रिलेटेड टू अमोनिया हाइड्रोजन का रेट ऑफ है डिस एच टू बाई डेल्टी दिस इज रेट ऑफ डिसपेयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया का प्रोडक्शन का रेट है प्लस डेल एनएच थ्री बाय डेल्टी ठीक है प्लस डेल एनएच थ्री बाय डेल्टी ये अमोनिया के प्रोडक्शन का रेट है कि ये तो अच्छे से आ गया अब तुम लोगों को अब मुझे इक्वेट करना है तो मैं वन बाय थ्री इधर लगा देती हूँ वन बाय टू इधर लगा देती हूँ और इक्वेट कर देती हूँ बट ये हमको पता है क्या बता रहा है ये हमको बता रहा है कि हाइड्रोजन की डिसअपेयरेंस का रेट बता रहा है मतलब ये इस चीज़ की माइनस को इंक्लूड करके इसका आंसर प्लस है मतलब माइनस को इसने इंक्लूड कर दिया तो ये हमको पीले पीले से जो लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यू बता रहा है माइनस डेल एस टू बाई डेल्टी रहा ठीक है और हमसे क्या पूछ रहा है अमोनिया का पूछ रहा है चेंज तो हमसे ये इतना पोर्शन पूछ रहा है तो व्हाट विल बी डू टू को इधर भेज दे फेंक देते हैं टू को इधर फेंक दो ठीक है ये टू को कैच कर लेगा तो टू बाई थ्री ऑफ वॉट इज गिवन जीरो पॉइंट थ्री इंटू टेन की पार माइनस फोर हो जाएगा बच्चों क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आ रहा है फटाफट से कैलकुलेट कर लो

तेजस पॉइंट टू दिबाकर नायक सी बता रहे हैं अंशत्री सी बता रहे हैं स्वीटी मिश्रा सी बता रहे है बड़ा सिंपल है रे आयुष म्यूजिक बहुत सिंपल है बी क्यों बता रहे हो सिर्फ सी की बात कर रहा है वो कुछ बात नहीं कर रहा सी के अलावा उसने कुछ बात नहीं करी तो हमको भी सी के अलावा कुछ बात नहीं करनी तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी एज अ प्रोडक्ट बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वी पुट रिएमेट्री तो स्टोक्योमेट्री इसकी टू है तो मैं वन बाय टू से ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ दिस इज रिएक्शन रेट अर्लियर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस ठीक है रिएक्शन रेट में हम स्टोइक्योमेट्री लगा देते हैं ये सबको क्लियर है ये वैल्यू इसने दे रखी है हमको माइनस इंक्लूड करके

रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्योंकि मैंने तुमको अभी अभी समझाया था कि जब तुम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो कॉलीजेंस भी ज़्यादा होंगे जब कॉलीजेंस ज़्यादा होंगे तो इफेक्टिव कॉलीजन ज़्यादा होंगे जब इफेक्टिव कॉलीजन ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेंगे तो रेट नेचुरली बढ़ेगी कम समय में ज़्यादा माल बनेगा तो रेट बढ़ेगी तो ये तो हमको पता है बट इन्होंने पता है होशियार बनके क्या बोला इन्होंने ये बोला कि अगर आप कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लो जिसमें ए ए मतलब दिस इज द स्टोइकियोमेट्री लेट्स से ये बी बी बना रहा है प्रोडक्ट्स तो इन्होंने लॉ हमारे इन बुजुर्ग साइंटिस्ट्स ने बोला कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता है किसके प्रोपोर्शनल है ए की कंसेंट्रेशन रेज टू द देयर्स देयर इक्यूमेट्री बी की कंसेंट्रेशन रेज टू देयर टू ये हमारे जिन्होंने लॉफ मास एक्शन बनाया था ना उन्होंने होशियार हमको ये लॉ बता दिया जो कर सकती गलत है कोर्स में है पढ़ाना पड़ेगा ठीक है दूसरा मी टेक सम प्रॉपर एग्जाम्पल नॉट दैट ए बी टाइप लेटमी एग्जाम्पल एन टू प्लस थ्री एच टू बना रहा है थ्री ठीक है ये हैबर प्रोसेस है आपकी वेल नोन प्रोसेस है अब इसमें ना आप लॉ ऑफ मास एक्शन वाले साइंटिस्ट पता है क्या कहते हैं ये कहते हैं वॉइस नहीं आ रही क्या वॉइस आ रही है वॉइस आ रही है ना हाँ तो ये पता है क्या बोलते हैं ये कहते हैं साइंटिस्ट हमारे बुजुर्ग बूढ़े साइंटिस्ट हमारे ये कहते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 रेस टू दावर वन क्योंकि इनकी स्टोक्योमेट्री वन है बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये जो बच्चे चले गए ना आज क्लास से परसों उनको कुछ नहीं चमकेगा जब वो आएंगे तो फिर इसलिए जाना नहीं क्लास खत्म एच टू रेस टू द पावर थ्री ये क्या फर्जी बाड़ा है यार तुम जरा इसकी शक्ल देखो इस लॉ की ये कह रहेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रियक्टन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर टू स्टोक्योमेट्री इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बात हुई भाई एन टू रेस टू दावर वन मतलब अगर तुम एन टू की कंसेंट्रेशन को डबल करोगे रेट डबल हो जाएगा एन टू की कंसेंट्रेशन चार गुना करोगे रेट चार गुना हो जाएगा क्योंकि पावर वन के प्रपोर्शन है एन टू की कंसेंट्रेशन हाफ करोगे रेट हाफ हो जाएगा क्यों हो जाएगा ऐसा क्यों हमने माना कि एन टू एक रिएक्टेंट है हमने ये भी माना कि एन टू की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगी बढ़ेगी लेकिन ये क्यों माने हम

तो रेट आठ गुनी हो जाएगी क्योंकि टू का क्यूब थ्री होता है भाई साहब क्यों ये कौन सा रिश्ता है ये कौन सा रिश्ता कौन सी किताब में लिखा है कि एच टू को डबल करने से रेट इसलिए आठ गुनी हो जाएगी क्योंकि बैलेंसिंग के वक्त हमने थ्री लगा दिया था क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है ये गलत है ना है ना ये गलत है तो यस है ना स्वीटी मिश्रा कह रही चमक गया ये पॉसिबल ही नहीं है बैलेंसिंग सिर्फ दोनों तरफ के एटम्स को बराबर करने के लिए लगाई जाती है ये जो कोफिश हम लगाते हैं

आपको अगर रिएक्शन आपको अगर जानना है कि N2 को बढ़ाने से रेट किस हिसाब से बढ़ती है डू एक्सपेरिमेंट ना N2 3H2 बना रहे 2NH3. तो और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हो सकता है आगे तुम इनमें भी कमी निकाल दो पर और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है और उन्होंने बोला भाई ऐसे बिना बात के फर्जी बाड़े मत करो ये, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिश है इनका यूज जो है वो बैलेंसिंग के लिए किया जाता है ऐसे फालतू फंड के न, वो मत निकालो कंक्लूजन अगर आप जानना चाहते हैं कि N2 की कंसेंट्रेशन को डबल ट्रिपल चौपल करने से रिएक्शन रेट पे क्या फर्क पड़ता है जस्ट गो डू द एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट द रीडिंग एंड फाइंड आउट अ रिलेशनशिप। डोंट जस्ट कॉपी आउट द स्टोक्योमेट्रिकिशन बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल समझे बात को तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि हाँ ये बात हमने मानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बट जो पावर यहां आने वाली है वो यहां से नहीं उतारी जाएगी वो एक्सपेरिमेंट करके पता लगाओ गो डू द एक्सपेरिमेंट इन द लैब देन फाइंड आउट कि आउटू की रेट पे क्या डिपेंडेंस है एन टू को डबल करते हो रेट कैसे इंक्रीज होती है चौपल होती है कि ट्रिपल होती है कि डबल ही होती है जो भी होता है जस्ट गो ना फाइंड आउट ना वाई आर यू कॉपिंग आउट द दूमेट्रिक कोएफिशिएंट्स तो लॉ ऑफ मास एक्शन को गलत ठहराते थे हुए रेट लॉ ने रेट लॉ वाले साइंटिस्ट ने बोला कि मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन होती है और वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है ठीक है जो कि एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है वो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से टीप नहीं सकते क्लियर बस क्लास ओवर ही कर रही हूं मैं सुचिता बेटा समझ में आ रहा है सबको तो law of mass action ये कहता है कि देखो जैसे N2O की stoichiometry 2 लगी हुई है है पे तो वाला पता क्या बोलेगा? Law of mass action लिख रही मैं सीधा सीधा inference कर देगा और वो ये बोलेगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू ओ फाइव कंसेंट्रेशन रेस टू दावर टू देखेगा इन एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा बस स्टोईक्योमीटरी से टीप देगा है ना ये गलत है आप एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना ये वाला आप भी करेंगे मैं भी करूंगी कोई थर्ड पार्टी भी करेगी तो ये एक्चुअली ये पाया गया है कि जब एन टू को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाता है ये एक्सपेरिमेंटली पता लगता है इसमें भी कोई रीजन वीजन कुछ नहीं है बहुत डिटेल में जाए एक्सपेरिमेंट करने से पता लगेगा कि एन टू डबल करेंगे तो रेट डबल हो रहा है एन टू हाफ करेंगे तो रेट हाफ हो रहा है तो मतलब एक्चुअली ये पाया गया कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू एन टू ओ फाइव की कंसंट्रेशन नॉट टू द स्क्वायर ऑफ एन टू ओ फाइव की कंसेंट्रेशन तो ये पावर क्या आई वन आई एंड दिस पावर वॉज एक्सपेरिमेंटली फाउंड एंड इट डिड नॉट मैच विद द विद्यूमेट्री तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने आपको क्या बोला एक एक्सप्रेशन दिया और वो आई मीन रेट लॉ ने आपको एक एक्सप्रेशन दिया और वो एक्सप्रेशन में खाली स्लाइड लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है चलो मैं खाली स्लाइड लगा के समझा देती हूँ कि रेट लॉ ने बोला कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू फॉर अ रिएक्शन ए ए प्लस बी बी जो कि प्रोडक्ट्स बना रहा है बस यहाँ पे मैं सेशन एंड कर रही हूँ बेटो है ना फॉर अ रिएक्शन ए ए प्लस बी बी बना रहा है प्रोडक्ट जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू द पावर ए एंड बी रेस टू द पावर बी लॉ ऑफ मास एक्शन यहां से टीपता है इधर कॉपी मार देता है जबकि रेट लो एक्सप्रेशन कहता है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू द पावर पी एंड बी रेस टू द पावर क्यू या फिर ए रेस टू द पावर एम एंड बी रेस टू पावर एन ये पी क्यू कहाँ से आए बच्चों फटाफट फड़ से मुझे आंसर करो चैट बॉक्स में ये पी क्यू कहाँ से आए हैं फ्रॉम वेयर दिस पी क्यू हैव कम फ्रॉम जल्दी से प्राची अभी तो बहुत चीजें हैं बेटा अभी धीरे धीरे देखना कितनी क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की जल्दी जल्दी बताओ ना ये चैट रुक गई है कि मेरे को दिखाई दे रही तुम लोग इधर ही क्विकली अरे मैं कहाँ गई एक्सपेरिमेंट से आई पर मैं दिख रही हूं आप लोगों को बिल्कुल से तो यही हम इस सेशन को ओवर करते हैं विद द कंक्लूजन यही हम इस सेशन को ओवर करते हैं विद द कंक्लूजन कि लॉ ऑफ एक्शन क्या है फर्जी है फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ एक्शन फर्जी है और वो इन पावर्स को यहाँ से टीप लेता है ठीक है जबकि रेट लो एक्सप्रेशन की ये पावर्स आपको यहाँ दिखाई नहीं देती हैं ये आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी पड़ती है और अगर बाई चांस ये मैच हो जाए तो दैट इज जस्ट अ को ठीक है अगर ये मैच हो जाए तो दैट इज जस्ट अ को यूनिट ऑफ के पे अगली क्लास में बात करेंगे शालिनी यादव तो यहाँ पे हम सेशन को स्टॉप करते हैं एंड परसों हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जिसमें से बोर्ड्स में एग्जाम आना बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है ठीक है अब हम बिल्कुल प्रॉपर केमिकल में घुसेंगे परसों से सो नोट डाउनलोड यहाँ से होंगे इस क्यू कोड को स्कैन करके एल्कोलफिनोल इथेस का लेक्चर थ्री होने वाला है कब परसों परसों बोले तो वेंसडे को इसी के साथ साथ मैं नया शेड्यूल लगाने वाली हूँ जुलाई में मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ मैं अब देख पा रही हूँ मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूं मैं तुम लोग को स्पेशल पे एंड वट आई कैन सी इसकी बहुत सारे बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी क्लियर नहीं है और वो ऐसी ऐसी जगह रिपीट 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 करते हैं जो उनको इलेवंथ में पढ़ा हुआ होना चाहिए था मैं काफी कोशिश करती हूँ उनको समझाने की लेकिन क्योंकि नींव हिली हुई है तो वो बिल्डिंग डगमगाती है बच्चे भी मेरे ट्राई करते हैं ऐसी बात नहीं है तो मैं अब उस नीव पे भी एक्ट करूंगी तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है सिर्फ जून चल रहा है पूरा साल पड़ा है तो बेसिकली आपकी नीट जेई की भी अच्छे से तैयारी होगी और इलेवंथ की ऑर्गेनिक मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ और बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं जेई के और नीट के लगवाने वाली हूँ तो हम आपका थोड़ा सा लोड बढ़ेगा आप आपको इलेवंथ ऑर्गेनिक और ट्वेल्थ ऑर्गेनिक पैरली पढ़नी पड़ेगी फिर बच्चों ट्रस्ट में अगर आप इलेवंथ ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो जो खूबसूरती आपके ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक में आएगी ना यू कैन नॉट इमेजिन दैट क्योंकि आपने इलेवन ढंग से पढ़ी ही नहीं है और मैं पढ़ाऊंगी आपको इलेवेंथ ऑर्गेनिक दो ही चैप्टर है बस ठीक है तो हम पैरली करेंगे और इलेवन ट्वेल्थ का पैकेट हमारा पूरा कंबाइंड तैयार हो जाएगा तीन से साढ़े महीने में थ्री थ्री एंड हाफ मंथ्स में हम ऑर्गेनिक में स्टड हो जाएंगे हमें फिर ये नहीं होगा कि यार मैम इलेवंथ नहीं पढ़ी थी इसलिए हमें समझ में नहीं आता पढ़ ली ना इलेवंथ मैम ने पढ़ा दी ठीक है तो एल्कोलफिनोलीथर्स का लेक्चर थ्री है नेक्स्ट वीक से मैं स्कड्यूल बदलूंगी इसमें चार क्लासेस ऑर्गेनिक uh, की लगेंगी एंड अन अकेडमिक की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक नहीं करी है तो जल्दी से कर लो क्योंकि उसमें मैं काफी सारे फ्री सेशंस भी लेती रहती हूँ गोल अपना सीबीएसई बी सेलेक्ट कर लेना में मेन्यू बटन होता है इस पर क्लिक करोगे तो स्पेशल क्लासेस खुलती हैं जो कि एम बी लाइव कोड से खुलती है एम बी लाइव एम लाइव कोड इज अ चाबी फॉर एवरी ताला ओके एंड एंडमी पे आज का डाउट फीचर आ चुका है किसी भी समय कोई भी डाउट आए बस फोटो खींचो <coughs> और पूछ लो ठीक है तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको मस्त हाई क्वालिटी सोल्यूशन देंगे इंग्लिश एंड हिंदी में उसके अलावा अनेक आडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या आएंगे मैम सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे बेटा सब्सक्रिप्शन में बहुत प्रैक्टिस सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो आपको मेरे से कनेक्ट मिलता है आपको अगर कहीं कुछ डाउट्स आते हैं तो आपको डाउट पूछने का मौका मिलता है जो स्पेशल में नहीं मिलता जो YouTube पे नहीं मिलता और ये बहुत जरूरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग डाउट टू अ टीचर कि मैम वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम यहाँ अटक गए तो इसका आंसर ऐसे आ गया क्या मैं इसको इस तरीके से भी निकाल सकता था मैम हमको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया बट हमसे सवाल नहीं लगे तो प्रैक्टिस कौन कराएगा मैम कराएगी तो इस तरीके से एडुकेटर्स जब आप पे डेडिकेटेड अंदाज में मेहनत करते हैं वो आपको अपने नोट्स देते हैं वो आपको होमवर्क देते हैं डिस्कशन होते हैं डाउट क्लासेस में डाउट में आप अपना भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड की मैम ये चीज जो है वो हमको नी क्लिक

बोर्ड के एग्जाम में सौ में से सौ नंबर लाने के लिए और आपको क्या चाहिए समय पे पढ़ाई करें आपकी वर्कशीट आपके टीचर्स खुद बनाएं क्योंकि उनको पता होता है टीचर्स एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता है कि इस टॉपिक पे कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है आप तो रैंडमली किताबों के सवाल लगाओगे तो वो नहीं आज जो पढ़ाया गया उस उसपे बच्चों को कैसे स्मूदली ड्राइव करना है वो एक टीचर ही समझ सकता है और एक ऐसा टीचर जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस मैटर्स तो आपको वो सब क्वालिटी मिलेगी ठीक है आइकॉनिक में आपको एक ऐसा मेट्र मिल जाएगा जो कि आपका स्टडी प्लानर बनाएगा जो कि आपका शेड्यूल तैयार करेगा जो कि आपके टेलीफोनिकली अवेलेबल रहेगा जो कि आपके पेरेंट्स से भी बात कर सकता है तो अलॉन्ग विद ऑल दीज फीचर्स इफ यू वॉन्ट सम पर्सनल कोच जो जिम में नहीं होता अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज लगवाने वाला तो आपके हिसाब से आपको पढ़ाई का शेड्यूल तैयार करने वाला एक पर्सनल कोच अगर चाहिए तो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है मेरा बैच ट्वेल्थ जून से स्टार्ट हुआ है तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें तो मोस्ट वेलकम आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच सो मेनी ऑफ यू ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म आई रियल आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेन टू 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 टीच कोच एंड बी द पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ओके सो यू कैन ज्वाइन मी यू कैन ज्वाइन अदर एडुकेटर्स एज वेल ऑन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन टाइमिंग रहेगा छः से सात क्लासेस होती हैं ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे भर भर के मिलता है होमवर्क एंड अच्छे से पढ़ाई होती है बच्चों अगर जेई नीट की तैयारी करनी है आपको तो जरूर से जरूर उन एडुकेटर्स को चूज करो ये जिंदगी भर की बात है करियर बनाने वाली बात है तो आपको उनसे पढ़ना चाहिए जिनके रिजल्ट कॉस्ट फ्रेंडली पहले कहते थे ना लाखों रुपया फीस नहीं भरोगे तो बड़े बड़े कोचिंग लेंगे ही नहीं आपको लाखों रुपये फीस होती है आज की डेट में उन्हीं मेंटर्स को एडुकेटर्स को अन अकेडमी ने अपने साथ एसोसिएट कर लिया है चार्जेस देखो कम से कम मुझे लगता है अठारह महीने का लेना चाहिए क्योंकि पोस्टपोनिंग बहुत हो रही है ओनली फोर्टी टू थाउजेंड अगर आप एक साल का लेते हो सिर्फ थर्टी फोर थाउजेंड कौन पड़ेगा भरोसा नहीं मतलब इट इज रियली यू नो बिग दैट ऑथर्स ऑफ सम वेरी गुड बुक्स ऑफ द नेशन जिन किताबों को पढ़ पढ़ के बच्चे आई बनते हैं डॉक्टर्स बनते हैं उन किताबों के ऑथर्स हमारे साथ अन अकेडमी एसोसिएटेड है जेई नीट प्लेटफॉर्म पे एम बी लाइफ कोड को नहीं भूले एम बी लाइफ कोड है ना ये आपको ऑफ uh, देगा आइकॉनिक के चार्जेस आपको यहां बता रखे जैसे एक साल का फिफ्टी एट थाउजेंड अठारह महीने का सेवेंटी टू थाउजेंड ओके अगर आप नॉर्मल सी बस कैटेगरी में आपको लग रहा है कि मैम बोर्ड्स हमको अपना तो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करना है और एनसीआर अच्छे से पढ़नी है बोर्ड्स में हमको हंड्रेड्रेड 100 -100 पे फोकस करना है एंड साइमल्टेनियसली पैरेलली हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप फिर सीबीएसई ट्वेल्थ कैटेगरी सेलेक्ट करके पंद्रह या बारह महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें अगर आप एक साल का लेते हैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चे तो आपको पंद्रह का सब्सक्रिप्शन है सारे सब्जेक्ट्स का कोड लगाना है एम बी कौन सा कोड लगाओगे एमी लाइफ ये हो जाएगा आपका तेरह का सब्सक्रिप्शन ठीक है और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, सारे नोट्स मिलेंगे आपको आपके सारे डाउट्स दिखे जाएंगे आपके टेस्ट बराबर से होंगे तो मतलब फॉर ट्वेल्व कुछ इसमें कुछ मंथ्स का ऑफर भी चल रहा है वो देख लेना आप लोग एम बी लाइफ कोड से आपको सब्सक्रिप्शन uh, में डिस्काउंट मिल जाएगा और आइकॉनिक के अंदर जो वही एक साल का सब्सक्रिप्शन है वो ट्वेंटी एट थाउजेंड का

थैंक यू सो मच ज्योति का बेटा इमोशनल हो जाएगी मैम सुबह नहीं हो सकती मैं एक बेटा सुबह नहीं हो सकती सुबह इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल होता है ऑनलाइन ठीक है एंड लाइक द सेशन प्लीज थैंक यू रितु यादव बाय बाय बच्चो बाय बायू इन द नेक्स्ट क्लास मजे से पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे बाय बाय Let's crack it. Bye.